हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं बॉबी एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने इस बहुत ही शानदार सेशन के दौरान। यदि अपन बात करें अपने साथ के सेशन के बारे में, तो हमारा आज का सेशन होगा पाइप और टंकी के पार्ट नंबर क्या जी। हमारा जो सेशन होगा वो होगा पाइप और टंकी के पार्ट नंबर 2 के नाम। मतलब आज ये पाइप टंकी की दूसरी क्लास है, पहली क्लास हम सफलतापूर्वक कर चुके हैं। अब मेरा प्लान तो कुछ और था, मेरा प्लान था कि पाइप टंकी पढ़ा करके मैं आपकी प्रैक्टिस सेट करा दूं, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि गुरुजी प्रतिशत पढ़ाना भी आपको। तो चलिए मैं बता देता हूं, पाइप और टंकी के बाद में, पाइप और टंकी के बाद में मैं प्रतिशत और एलसीएम, एससीएफ एंड आपका अनुपात, ठीक है, एंड आपका साझा एंड आपका मिश्रण, ये आपके टॉपिक दोबारा में रह गए हैं। दोबारा जो मैं सिलेबस कंडक्ट करा रहा हूं, इस दोबारा के जो सिलेबस में आपके जो नई क्लासेस में आपके ये 1, 2, 3 और 4 और ये 5 टॉपिक ये और आपका क्षेत्रमिति, और आपका क्या रह गया है, क्षेत्रमिति आपका रह गया है। क्षेत्रमिति में आपका 2D और 3D दोनों कराऊंगा इस बार। पहले मैंने केवल 2D पढ़ाया था, इस बार मैं 3D भी पढ़ाऊंगा। तो ये टॉपिक आपके बचे हुए हैं, तो एक काम करते हैं पाइप टंकी खत्म करके आज, ठीक है ना, फिर यहीं पर आ जाते हैं और इन्हीं को खत्म करते हैं, ठीक है। इनमें ये 2 टॉपिक तो आपके छोटे छोटे हैं, ये 3 टॉपिक, अनुपात बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, पाइप टंकी भी आपका छोटा ही था, ठीक है ना। तो चलिए, जितने भी साथी हमारे क्लास में देख रहे हैं मुझे, जितने मेरे प्यारे बच्चे क्लास में आ चुके, जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, सभी से निवेदन है कि एक बार सभी लोग शानदार तरीके से क्या कर दें, क्लास को शेयर कर दें फटाफट। जितने बच्चे मुझे क्लास को देख रहे हैं, मेरी क्लास को, सभी से निवेदन है फटाफट शानदार तरीके से क्या कर दें, क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक भी कर दें। जितने बच्चे भी मुझे देख पा रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि शानदार तरीके से फटाफट एक बार क्या कर दें बेटा, क्लास को शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है वो अभी तक क्या कर दें, क्लास को लाइक कर दें। एक बार वो देख लूं आवाज आ रही नहीं आ रही है कि वीडियो साफ चल रही है नहीं चल रही है, पता लगे बाद में कोई दिक्कत हो जाए फिर फालतू में। चलिए, तो जितने बच्चे भी क्लास में, एक बार सभी लोग शानदार तरीके फटाफट जो शेयर कर दी जल्दी से जल्दी। आपने देखा कि कल हमने शुरू किया था पाइप और टंकी आपका टॉपिक, आपने देखा कि कल हमने शुरुआत करी थी किसकी, पाइप और टंकी नाम के इस टॉपिक की, जिसकी एक क्लास में करा चुका हूं पहली क्लास। और उस पहली क्लास में मैं इसके बेसिक के साथ साथ, मतलब उस पहली क्लास में मैं इसके बेसिक, इस पहली क्लास में इसके बेसिक और, ठीक है, और 2-3 अलग अलग टाइपों के साथ साथ इसके कई सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने करा चुका हूं। कल की क्लास में बेसिक के साथ साथ कई डिफरेंट के टाइप के कैलकुलेटर सवाल मैं करा चुका हूं। कुल मिलाकर के है कि पाइप और टंकी में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, पाइप और टंकी टॉपिक में कैसा कॉन्सेप्ट बनता है, किस कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके लिए क्या कर चुका हूं, वो सारी चीजें मैं आपके लिए बता चुका हूं। पाइप और टंकी टॉपिक में किस प्रकार के कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व होते हैं, ये सारी बातें मैं आपके लिए बता चुका हूं। अब ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सभी को एक बार फिर से राधे राधे, राम राम, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 फिल्स पाइप, 2 भरने वाले पाइप है, ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न्स एंड 12 मिनट एंड 60 रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज बीइंग क्लोज्ड 4 मिनट बिफोर द सिस्टर्न्स वाज फिल, इन व्हाट टाइम द होल टैंक फुल। अच्छा सवाल है, देखिए बिल्कुल परेशान मत होना, प्रश्न चाहे 10 ही हो, एक दिन और पढ़ा दूंगा पाइप टंकी, एक दिन पाइप टंकी और पढ़ा दूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन बेटा जैसे मैंने पहली क्लास को आराम आराम से कराया, जिसमें ऐप पर पढ़ाता हूं आराम आराम से एप्लीकेशन, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा अब मैं, बोलो ऐप का तरीका यूज करूंगा यहां पर। आप लोगों को पसंद आती जाए तो लाइक शेयर करते जाना। चलिए शुरुआत है पहला क्वेश्चन, देखिए 2 पाइप, ध्यान देंगे सवालों पर अच्छी तरीके से, बहुत आराम से बोलूंगा, मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती कभी कभी। 2 पाइप ए और बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 मिनट में और 16 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी, ये पाइप आपका ए है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पाइप आपका ए है और ये पाइप आपका बी है। 2 पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः भर सकते हैं, मैंने क्या बोला था, कल ही पढ़ा दिया था, जब भी हौज भरेगा मतलब प्लस, खाली होगा मतलब माइनस। 2 पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 12 मिनट
और 16 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, देखिए 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, तो इसका मतलब है जिस टैंक की बात, जिस हौज की बात प्रश्न में हो रही है, उस हौज का टोटल वर्क क्या निकलेगा, वो तो आप निकाल ही लोगे, क्या निकलेगा, 40 निकलेगा। अब बार बार मैं ये लिख के नहीं बताऊंगा कैसे निकलेगा, क्यों भाई, कल मैंने 10-12 सवाल कराए थे। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है, कल मैंने सारी बातें आपको अच्छी तरीके से सिखा दी थी, अब मैं हर चीज को यहां पर लिख लिख के नहीं बताऊंगा आपके लिए, थोड़ा बहुत एफर्ट आपका ही बनता है कि किसी भी हौज को या किसी टंकी को पाइप ए तो बढ़ता है 12 मिनट में और पाइप बी बढ़ता है आपका 16 मिनट में, तो 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। इसका मतलब है जिस हौज की या जिस टैंक की बात प्रश्न में चल रही है, उस टैंक का टोटल वर्क क्या होगा, 48 होगा। यदि इस टैंक की टोटल क्षमता 48 है तो ए कितना भरेगा, 12 चौके 48 या आपका 4 भरेगा, 16 तीन 48 या आपका 3 भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर देते हैं। ये ए का कितना काम है आपका, 4 काम है। लेकिन हौज भरने से पहले, जब भी आपका हौज पूरा भरा जाना था, उससे 4 मिनट पहले ही ए को बंद कर दिया। ए का काम कितना है, 4 काम है, इसे 4 मिनट पहले बंद कर दिया तो कितना काम कर दिया, 16 भर दिया, 16 भरेगा। हाँ भाई, ए कितना बढ़ता है, ए आपका 4 बढ़ता है, प्लस के 4। ए जो पाइप है वो कितना पानी बढ़ता है, 4 पानी बढ़ता है। ए जो पाइप है बेटा आपका, ए जो पाइप है वो कितना पानी बढ़ता है, ए जो पानी है आपका 4 पानी बढ़ता है, मतलब प्लस के 4। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है, मतलब जब ए को बंद किया गया, कब किया गया, पानी भरने से 4 मिनट पहले बंद किया गया। ए कितना पानी भरता है, 4 पानी भरता है, तो 4 पानी 4 मिनट में भरेगा तो कितना पानी भरेगा, 16 पानी भरेगा। अच्छा, 16 पानी भरेगा तो टोटल, तो आपका जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, 48 तो आपका एलसीएम के थ्रू टोटल हो गया, लेकिन ये 16 पानी वो है जो भरता, ठीक है, क्या करता है, भरेगा, तो 16 पानी भरेगा तो टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54 भरेगा, 54 टोटल हो जाएगा, 8, 6, 14, 54 और 64 हो जाएगा, 64। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो ना, 64 हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, जब भी हौज आपका भरा जाना था, उस हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया, इसका मतलब है 4 मिनट तक ए कितना भरेगा, 16 भरेगा, 48 ये बंद, 48 क्या कर रहा है, ये 48 इनका टोटल वर्क है, 16 वो है जिसे बंद कर दिया गया, तो टोटल क्या हो गया आपका, 64 हो गया। अब आपका ए नल भी है और आपका बी नल भी है, टोटल टंकी तो आपकी 64 हो गई, 48 तो वो होगी जो इसकी टोटल थी, लेकिन 16 वो थी जिसे बंद कर दिया गया, 16 पानी भरने से पहले टंकी को बंद भी तो किया गया, तो 48 पानी आपका एलसीएम का है, 16 पानी आपका बंद किया गया, तो टोटल पानी हो गया आपका 64। अब ये दोनों का हो गया 4 और 3 आपका पाइप क्रमशः किसी टंकी को, ये पहला पाइप है, ये आपका दूसरा पाइप है, ये दोनों भर सकते हैं, मतलब प्लस, मतलब आपका ये 75 और एक पाइप, दो पाइप किसी टंकी को, वो टोटल वर्क क्या होगा, पहले वो होगा आपका 225, टंकी का टोटल वर्क 225 होगा। यार मैं भाई, जिस टंकी को भरा 75 आपका 5 भरेगा, 45 पाइपों को खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय के बाद बंद करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आधे घंटे का मरना पड़ेगा, मुझे बताइए, जब हम बी नल को बंद कर देंगे, जब हम बी नल को बंद कर देंगे भाई, टंकी कब भर रही है, आधे घंटे में, हमारी टंकी कब भर रही है, आधे घंटे में, और आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट, मतलब हमारी टंकी 30 मिनट तक भर रही है, लेकिन कब, जब हम बी को बंद कर रहे हैं तब। इसका मतलब है जब हम बी को बंद कर रहे हैं तो टंकी भर कौन रहा है, ए। जब हम बी को बंद कर रहे हैं तो टंकी भर कौन रहा है आपका, ए भरेगा। हाँ भाई, जब हम किसको बंद कर रहे हैं, जब हम आपके नल बी को बंद कर रहे हैं तो आधे घंटे में टंकी कौन भरेगा, ए भरेगा। 180 इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं प्लस के 6 तो 6 3 18, इसका मतलब है 180 भर देगा। ठीक है, तो शेष निकालिए, अब क्या निकालिए, शेष निकालिए, तो टोटल हमारा क्या था, टोटल तो हमारा 225 था, इस 225 में से एक क्या बचेगा, या बी को बंद किया गया था, मतलब ये बी का काम है 45, ये 45 किसका काम है, बी का काम है, और बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और 5 * 45 इसका मतलब है 9 मिनट इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 मिनट, 9 मिनट इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा, 9 मिनट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या होगा बेटा, 9 मिनट इस सवाल का क्या हो जाएगा,
सही आंसर आपका हो जाएगा 9 मिनट। कोई हाँ भाई, हम 2 क्लासों की जगह 3 क्लासों में कर लेंगे। देखिए हम चाहे एक दिन में 10 ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन पहली बात तो कंटेंट वैल्यू वाले, अगर आपके कंटेंट वैल्यू वाले आप दिख रहे हो ना, बढ़िया बढ़िया टाइप के अच्छे अच्छे सीडी बाय सीडी क्वेश्चन सेट करके लेके आता हूं मैं, बेसिक टू हाई लेवल की। तो जब कंटेंट आपका अच्छा है तो आपके पास समझने की कैपेसिटी भी ठीक ठाक ही होनी चाहिए। सवाल अगला क्या है, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं तथा सी पाइप टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये बनेगा आपका प्लस और तीसरा सी खाली कर सकता है, मतलब माइनस। 2 पाइप ए और बी टंकी को भर सकते हैं लेकिन तीसरा पाइप टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल वर्क किसका, टंकी का। भाई हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे उस टंकी का टोटल काम, टंकी की टोटल कैपेसिटी। टंकी की कैपेसिटी क्या होगी, 180 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 36 का 45 का और 30 का एलसीएम आएगा। ये टंकी में काम कौन कौन कर रहा है, 36 मिनट। टंकी में जो पानी भरना है वो भरना है 36 मिनट में और 45 मिनट में, खाली करना है 30 मिनट में। तो टंकी होगी तीनों का मल्टीपल 180 इनका एलसीएम, ठीक है। यदि टंकी की टोटल क्षमता 180 है, टंकी का टोटल वर्क 180 है, तो उनकी क्षमता क्या होगी, 36 × 180 ये तो बनेगा आपका 5, 45 चौके आपका 180 खाली करेगा आपका 6 जाता है 7 मिनट के लिए। ए प्लस के बी 9 बनेगा, कितने मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। तो कितना बनेगा आपका, 63 बनेगा। हाँ भाई क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पहले ए और बी को 7 मिनट के लिए खोला जाता है, अगर मैं ए और बी से भरूं टंकी को तो ए और बी का मतलब होगा 5 × 4 = 9 और 9 × 7 = 63 आपका भर जाएगा, ठीक है। तो टंकी का शेष क्या रह गया, शेष टंकी क्या रहेगी, टोटल 180 में से और यहाँ के 17 रह गया, क्या रह गया, 17 रह गया। हाँ भाई टोटल आपका 63 भर गया, अब 180 में से 63 भर गया तो शेष रह गया 117 रह गया। अब ये शेष आपका 117 रह गया। अब क्वेश्चन क्या गया, 9 × 7 = 16, 9 और 7 = 16 46 लगेगा। हाँ भाई क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए, खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अभी आपका आंसर 39 वैलिड होगा। देखिए अभी आपका आंसर 39 वैलिड होगा और 46 होगा, मेरे पास सुनिए क्यों। अगर वो कह रहा है क्या, 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दें तो अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अब लगेगा 39 मिनट। अब 7 मिनट टंकी पहले भर रही थी, 39 लग गए अब, तो टंकी भरने में कुल समय कितना लगेगा, टंकी भरने में कुल समय लगेगा 46 मिनट। क्या लगेगा, 46 मिनट आपका लगेगा टंकी भरने में कुल समय लगेगा 46, ठीक है। शेष टंकी को भरने में लगेगा 39 मिनट। तो हमारा पूछा गया टंकी भरने में कुल समय कितना लगेगा, 46 मिनट आपका लगेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 पाइप ए बी और सी, क्वेश्चन क्या है आपका, 3 पाइप ए बी और सी, तीन पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो आपने कहा टंकी को ए तो भरेगा 6 घंटे में, बी भरेगा 9 घंटे में और सी भरेगा 12 घंटे में। तो टंकी का टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, 36। तो कितना बढ़ेगा, 6 × 6 = 36 और 9 × 6 = 36 और 12 × 3 आपका 36। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, तो बी और सी कितना भरेंगे, बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा आपका 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका 7। हाँ भाई बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, आधे घंटे के लिए इन्हें आधे घंटे तक खोलेंगे तो 7 का आधा क्या होगा, 3.5 होगा, मतलब बी और सी कितना भरेंगे, 3.5 भरेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, शेष निकालिए, क्या निकालिए आप, शेष टंकी, टोटल टंकी कितनी है आपकी, 36 है, 36 में से 3.5 आपकी भर गई तो शेष क्या बच गई, 32.5 और 33 क्या बच गई, 32.5 आपकी बच गई। टोटल टंकी 36 थी, 36 में से 3.5 भर गई तो शेष बच गई 32.5। क्वेश्चन कह रहा है क्या, बताइए क्या
टंकी के बचे हुए भाग को तीनों पाइप भरने में कितना समय लेंगे? टंकी के बचे हुए भाग को बचा कौन है आपका? बचा तो आपका 32.5 है, ठीक है। इस बचे हुए भाग को भरने में तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस के सी कितना समय लेंगे? तो 6 और 4 10 और 3 13 लेंगे। क्या लेंगे आपका? 13 लेंगे। अगर 13 से कट जाएगा तो काटेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, हटा दूंगा पॉइंट, लगा दूंगा जीरो। अगर ये 5 से कटेगा तो क्या बनेगा? 5 6 30 और 5 25 और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 26 बार। ठीक है, 13 5 65 और 13 2 26 और 5/2 का मतलब होगा 2:1/2। इसका मतलब 2.5 घंटा लगेगा आपका आंसर। इसका मतलब क्या होगा? 13 दाड़े 130 और ठीक है तो हो ही गया आपका 5 6 30 15 16 13 2.5 घंटे। इसका मतलब क्या होगा? 2.5 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। टंकी का जो बचा हुआ भाग है शेष भाग, उसे कौन भरेगा? तीनों भरेंगे और 2.5 घंटे लगाएंगे। 2.5 घंटे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। पाइप एक और पाइप आपका 2, मैं इनकी क्षमता की बात कर रहा हूं। इस प्रश्न में इन दोनों पाइपों की क्षमता के बारे में बात करी जा रही है। क्या कि यदि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है, अगर इसकी क्षमता दूसरे की 1 है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 3। मतलब दोनों पाइपों की पानी भरने की क्षमता होगी 3:1। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, तो टोटल वर्क निकाल रहा हूं। क्या टोटल वर्क? टंकी का टोटल वर्क क्या होगा? दोनों पाइप ये और ये मिलाकर के, दोनों पाइप का मतलब हो गया 4। दोनों पाइप टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो 36 6 144 क्या भरेगा आपका? टोटल वर्क आपका हो जाएगा। हाँ भाई, जिस भी टंकी की बात चल रही है उस टंकी को दोनों पाइप 36 मिनट में भर देंगे। दोनों का मतलब क्या होगा? 3 और 1 4, दोनों की क्षमता 4, 4 क्षमता से 36 मिनट में 144 पानी भरेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बताइए, धीमी गति वाले पाइप की का समय क्या होगा? धीमी गति वाले पाइप का समय क्या होगा? धीमी गति, इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता क्या है? 3 है। इसकी क्षमता तो ज्यादा है, इसकी क्षमता क्या है आपकी? कम है भाई। इसकी 3 गुनी स्पीड है, इसकी 1 गुनी स्पीड है, तो धीमी गति वाले पाइप का मान बताना है। तो सेकंड पाइप का मान बताना है 144/1 आपका 1, इसका मतलब है 144 मिनट आस्ता इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 144 मिनट इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 144 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है भाई, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा था कि धीमी गति वाले पाइप का मान बताना। धीमी गति मतलब इसकी स्पीड धीमी है, इसकी स्पीड तो 3 गुनी है, इसकी 1 है, तो ये क्या आपका? धीमा पाइप है। तो 144/1 क्या हो जाएगा आपका? 144 मिनट आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर 80 लीटर पानी आता है। क्या? 80 लीटर पानी आता है। देखिए, 1/3 भाग की वैल्यू कितनी है? 80 लीटर है। सवाल क्या कह रहा है? देखिए, बड़ा सिंपल है कि 1/3 भाग, क्या 1/3 भाग की वैल्यू कितनी है? 1/3 भाग, 1/3 भाग की वैल्यू कितनी है आपकी? 80 लीटर है। ये सब प्रश्न में दिया हुआ है। क्या? किसी टंकी का 1/3 भाग भरने में 80 लीटर पानी आता है, मतलब 1/3 भाग की वैल्यू 80 लीटर है, तो 1 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 80 × 3 बराबर आपकी हो जाएगी 240 लीटर। क्या ये आपके समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे क्या कि किसी टंकी का 1/3 भाग की वैल्यू 80 लीटर है, तो किसी टंकी का 1/3 भाग बराबर है 80 लीटर है, तो 1 भाग किसके बराबर होगा? 240 लीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधे भाग का मान क्या होगा? यदि 1 भाग का मान इतना है तो आधे भाग का मान क्या होगा? क्या आधे भाग का मान क्या होगा? ये हो जाएगा 240 × आधा, मतलब 1/2। 2 से कट जाएगा 120 बार। इसका मतलब है आधे भाग का मान क्या होगा? आधे भाग का मान होगा आपका 120 लीटर। क्या होगा? आधे भाग का मान आपका होगा 120 लीटर आपका होगा। ठीक है, क्या होगा? आधे भाग का आपका मान हो जाएगा 120 लीटर। आगे चलते हैं। किसी टंकी का 3/4 भाग
भरा हुआ है, यदि 60 लीटर तेल निकाल दिया जाए, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप किसी टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, इसमें से यदि निकाल दे हम 60 लीटर आपका तेल निकाल देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद 2/3 भाग बच जाता है, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है कि किसी टंकी का 3/4 भाग में से 60 लीटर निकाल दें तो 2/3 बच जाएगा। तो आंसर करिए, ये हो जाएगा आपका 3/4, इसको उधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3, बराबर हो जाएगा कि आपका 60 लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8, 9 में से 8 गया तो 1/1 क्या हो जाएगा, 12, बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए टैंक की क्षमता क्या होगी, ये एक ही आपका टोटल वर्क होता है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 60 = 720, क्या हो जाएगी, 720 लीटर हो जाएगी आपकी टंकी की क्षमता, क्या हो जाएगी, 720 लीटर हो जाएगी आपकी टंकी की, टैंक की क्षमता 720 लीटर इज द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है ना। अभी ये काम करेंगे हम, इसकी एक क्लास और करेंगे बेटा, अभी क्या, अभी इस पाइप और टंकी की हम एक क्लास आपकी और करेंगे भाई, अच्छी तरीके से। क्यों करेंगे, क्योंकि जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं ना, क्योंकि स्पीड कर दिया मैंने स्लो तो क्वेश्चन कम हो रहे हैं, अभी इसमें मुझे कम से कम 7-8 तरीके के सवाल और ऑब्जर्व करने हैं, तो एक दिन और पढ़ेंगे। देखिए मैंने वही कहा था टॉपिक 2 दिन की जगह 3 दिन खत्म हो जाए, लेकिन कंटेंट बढ़िया पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मुझे आप ये नहीं कह सकते गुरुजी इस टाइप का सवाल आपका रह गया, किसी भी किताब में से कॉमन चीजें जो मिलेंगी वो सारी करा रहा हूं। टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, क्या 3/5 भाग क्या है, 3/5 भाग 1 मिनट में भरता है, और 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 60 सेकंड में कह सकता हूं, ठीक है। टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो टंकी का बचा हुआ भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए यह 3/5 भाग की वैल्यू कितनी है, 60 सेकंड है, तो 3 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 भाग की वैल्यू हो जाएगी 60 × 5 सेकंड, ठीक है। अगर मैं 1 भाग की बात करूं तो 1 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 × 5/3, इसका मतलब 3 × 2 = 6 और 20 = 5 आपका 100 सेकंड, क्या हो जाएगी, 100 सेकंड आपकी होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बचा हुआ भाग, अब आपका 3/5 भाग दे रखा था, अब 5 में से 3 भाग आपका दे रखा है तो बच कितना गया, बच गया आपका 2/5 भाग, ये आपका बचा हो गया, क्या हो गया, बचा हो गया 2/5 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 × 2/5 आपका 5 से कट जाएगा 20 और 20 × 2 = 40, तो 2/5 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 सेकंड हो जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी आपने यहां पर 2/5 क्यों लिखा, देखिए आपके लिए 3/5 भाग दे रखा है, जो भी आपका टोटल वर्क ऑब्जर्व होता है वो होता है आपका एक होता है ना, क्यों होता है, देखिए ध्यान से क्यों होता है, टाइम बराबर होता है 1/एफिशियंसी, एफिशियंसी बराबर होता है 1/टाइम, और टाइम इंटू एफिशियंसी बराबर क्या होता है आपका एक, और ये एक ही आपका टोटल वर्क है, ये बात मैंने आपके लिए बता रखी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1 में से 3/5 भाग दे रखा है तो बच कितना गया, 2/5 बच गया, 5 × 5 = 3 गया तो 2/5 आपका बच गया, ठीक है भाई, ये आपके सवाल का आंसर। अगला देखिए, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है जब उसमें 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब टंकी में 3/4 भाग पानी है, कब है, जब उसमें से 3/4 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, टैंक की धारिता बताइए, टैंक की धारिता बताइए 40 लीटर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लीटर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है आपका, इसे आप लोग खुद करके देखिए और मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिए, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे खुद से दे दीजिए, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा वो भला हो जाएगा, क्यों भाई, थोड़ा सा मेरा ही भला हो जाएगा, इसका आंसर दे दीजिए मुझे आप लोग। सर ये हाँ भाई, अब मैंने आपके लिए किया एक जैसे, अब मैंने आपके लिए एक एक जैसे, देखिए 1, 2, 3 सवाल करा दिए, चौथा सवाल आपके लिए छोड़, एक हाथ तो मैं दे ही सकता हूं आपके लिए, क्यों भाई, एक हाथ तो मैं आपके लिए दे ही सकता हूं कि आप मेरी इज्जत को बचा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर के किसी टंकी में पानी भरते हैं, कौन भरता है, बॉयस और गर्ल्स, क्या बॉयस और गर्ल्स, एक लड़का मतलब बॉयस और एक लड़की मतलब एक गर्ल्स, एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी टंकी में पानी भरते हैं तो लड़का 4 लीटर पानी प्रति 3 मिनट समय में भरता है, क्या
लड़का 4 लीटर पानी भरता है, लड़का 4 लीटर पानी भरता है कितने में, 3 मिनट में, कितने भरता है, 3 मिनट में भरता है, 3 मिनट में, ठीक है ना। तथा जो लड़की है वो 3 लीटर पानी भरती है, कितनी देर में भरती है, आपके 4 मिनट में आपका पानी भरती है। सवाल बहुत जेनुअल है, बहुत लीजेंट सवाल है, ठीक है ना। सवाल क्या है, एक लड़का और एक लड़की किसी टंकी में पानी भरते हैं, उनके पानी भरने का क्या प्रोसेस है, ये नया सवाल है। आज तक आपने जिंदगी में कभी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन हो रही है, इंपॉर्टेंट और नया टाइप का क्वेश्चन, जो लेबल लेबल कर रहे हैं ना वो, उनका वो हिल जाएंगे सब। अब देख कर लो सवाल को, एक लड़का 4 लीटर पानी 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती है, मतलब लड़के का जो समय है वो तो 3 मिनट है और लड़की का जो समय कितना है आपका 4 मिनट है। तो यहां पर मैं बॉयस और गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, क्या यहां पर मैं बॉयस और गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या एग्जैक्ट वैल्यू, क्या वो कितना पानी भर रहे हैं, उनको कितना समय आपका यहां पर लग रहा है। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में स्पष्ट दिया गया है क्या कि लड़के को तो लग रहे हैं 3 मिनट, लड़की को लग रहे हैं 4 मिनट। भाई कायदा यह होना चाहिए कि दोनों का समय बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो पानी की बात कर रहा है, क्या वो कह रहा है कि कितने समय में 100 लीटर पानी टैंक में भर जाएगा, हमें 100 लीटर पानी की वैल्यू, मतलब कितने समय, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में, ये मिनट होगा यहां पर, ये सब जगह क्या होगा, या सब जगह मिनट होगा, ऑप्शन में यहां क्या होगा आपका मिनट होगा, यहां भी क्या होगा आपका मिनट होगा, ठीक है, यहां भी क्या होगा आपका मिनट होगा। वो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कितने समय में 100 लीटर पानी भरेगा, मतलब आपको समय की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लड़के और लड़की के दोनों के समय को बराबर करना पड़ेगा। प्रश्न को पढ़ के उत्तर लाएंगे, कितने समय में 100 लीटर पानी आएगा, मतलब वह लड़के लड़की का एग्जैक्ट समय पूछ रहा है, तो समय को बराबर करिए। यहां पे करूंगा 4 का मल्टीप्लाई, यहां पे करूंगा 3 का मल्टीप्लाई, देखिए 4 चौकी ये तो हो जाएगा आपका 16 लीटर, तो हो जाएगा आपका पानी, और 4 तिया 12 मिनट आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 लीटर आपका हो जाएगा पानी, और 3 चौकी 12 मिनट आपका हो जाएगा समय। तो हमने समय को बराबर कर दिया। अगर हम टोटल करें तो टोटल करेंगे तो क्या होगा, 16 और 9 25 लीटर तो आपका हो जाएगा पानी, और 12 और 12 क्या हो जाएंगे, 24 आपके क्या हो जाएगा मिनट, आपका क्या हो जाएगा समय। अब हमें इतना पता लग गया, यदि हम लड़का लड़की दोनों को मिला दें, हमें इतना पता लग गया कि अगर हम लड़का लड़की दोनों को मिला दें तो 25 लीटर पानी 24 मिनट में भरा जाएगा, क्या क्या भाई, अगर हम लड़का लड़की को मिला दें तो टोटल 25 लीटर पानी आपका, अरे यार मिनट तो, समय तो हमने बराबर कर ही लिया, समय तो हमने बराबर कर ही लिया, समय तो बदलेंगे नहीं, समय तो 12 मिनट आएगा ना, क्या आएगा 12 मिनट, ठीक है, क्या होगा 12 मिनट, जो हमने बराबर किया है भाई, समय हमें टोटल समय चाहिए था बराबर करने, कर लिया। इतना पता लग गया कि समय आपका 12 मिनट है, जिसमें क्या हो रहा है 25 लीटर पानी भरा जाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी भरना है आपको 100 लीटर का, कितने का पानी भरना है आपको 100 लीटर का, तो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया, कितने गुना हो गया आपका, 4 गुना हो गया। हाँ भाई, पानी कितना भरना है, पानी भरना है आपको 100 लीटर का, पानी भरना है आपको 100 लीटर का पानी आपको भरना है, पानी कितना भरना है आपको 100 लीटर का पानी भरना है, तो 25 से लीटर से 100 लीटर में 4 गुना हो गए, तो समय भी क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, मतलब 12 चौके 48 मिनट, क्या हो जाएगा 12 चौके 48 मिनट, इस सवाल का राइट आंसर है 48 मिनट, इस सवाल का राइट आंसर, इससे बढ़िया कोई सवाल ही नहीं होगा, इससे बेहतरीन कोई सवाल नहीं है। चलिए 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, बताइए तो देखिए, चलिए याद है, क्लियर है, एक का सवाल आपका और देखिए, इसको और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, 33 की हुई है 2 नल है, एक आपका ये है एक आपका ये है, किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे में और 12 घंटे में आपका भरते हैं, तथा एक निकासी वाला नल है जो 80 गैलन पानी खाली करता है 1 घंटे में, तथा यदि हम तीनों को साथ में खोल दें तो 20 घंटे में टंकी भर सकती है, मतलब एक आपका नल पहला भी है, एक आपका दूसरा भी है, और एक आपका नल क्या है आपका तीसरा भी है, लेकिन जो तीसरा नल है ना वो निकासी वाला नल है, मतलब तीसरा नल कैसा है आपका, माइनस वाला आपका नल है, ठीक है, क्या आपका निकासी नल है, अगर हम तीनों को साथ में खोल दें टंकी 20 घंटे में भर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालिए, सबसे पहले निकालिए आप इनका टोटल वर्क, सबसे पहले निकालिए टोटल वर्क, सबसे पहले आप क्या निकालोगे टंकी का टोटल वर्क, जो हो जाएगा आपका 60, तो कितना बनेगा 10 से 60 ये बनेगा 6,
बारह पांच साठ, ये भरेगा आपका पांच, और बीस या साठ ये भरेगा आपका तीन। मतलब पहला प्लस के दूसरा और प्लस के आपका तीसरा, तीनों नलों की क्षमता दे रखी है प्लस के तीन, और पहले प्लस के दूसरे दोनों नलों की क्षमता क्या दे रखी है आपकी पांच छह और तीन नौ दे रखी है प्लस के। अगर मैं तीनों में से दो नलों को घटा दूं तो तीसरे नल की क्षमता क्या हो जाएगी, तीन में से नौ गया तो माइनस के छह हो जाएगी। अब चूंकि तीसरे नल की वैल्यू क्या में आ रही है, माइनस में आ रही है, क्योंकि तीसरे नल की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि तीसरा नल कैसा है आपका, निकासी नल है। क्यों भाई, तीसरा नल कैसा है आपका, निकासी वाला नल है। वो यही कह रहा था कि तीसरा नल आपका एक निकासी नल है, ठीक है। जो क्या करता है, हमें तीसरे का मान बताना है। तो टंकी टोटल कितनी है, टंकी टोटल आपकी 60 है, इसकी क्षमता होगी 6। ये कितना पानी खाली करता, 80 गैलन पानी खाली करता, 80 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 से कट जाएगा 10, 80 दाड़े के, कुछ तो गड़बड़ दया, 6 और 5, अरे यहाँ पर 11 है यार, मैंने अपनी पता नहीं, मेरा दिमाग यार जन कहाँ चला जाता है कभी कभी, मेरा दिमाग भी घास चलने चला जाता है मेरा दिमाग भी कभी कभी। देखिए तीनों के मान तो हो गया प्लस के तीन और इनका हो गया 6 और 5 आपका 11 हो गया। तो तीसरे नल की क्षमता क्या बचेगी, ये बचेगी आपकी 8 और 3 11 माइनस के 8 बचेगी। इसका मतलब ये क्या है आपका, निकासी आपका नल है। क्या नल है आपका, निकासी नल है। तो हमें तीसरे का ही मान बताना है, तो कैसे बताओगे आप, टोटल टंकी आपकी 60 है, क्षमता दे रखी है 8, गैलन हो गया आपका 80, 80 से कट जाएगा 10 बार और हो जाएगा आपका 600। तो टंकी में कितना पानी आता है, 600 गैलन पानी आपका आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 600 गैलन पानी आपका आंसर आता है, 600 गैलन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं, कल फिर मुलाकात करूंगा आपसे सेम टाइम पर। अभी तक आपने क्या हो गया यार, हाँ भाई चलिए यहां पर खत्म करते हैं। एक बात आपको मैं बता देता हूं, चलिए मेरा ध्यान सुनिए अच्छी तरीके से, कुछ बातें बतानी मुझे आपके साथ कि मैं पढ़ा था आपका कंटेंट वाइज सिलेबस, मतलब कंटेंट वाइज आपका मैथमेटिक्स डील कर रहा था, जिसमें आपके लिए मैंने 80% सिलेबस कवर कर दिया है। मैंने केवल आपके 4 से 5 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं अभी आपको आपके सामने पेश करता हूं उनको। आ जा अब आ जाओ, खच्चड़ो निकल गए, वो भी पता नहीं कहां चले गए, ठीक है छोड़िए बात खत्म करते हैं। मतलब अभी मैंने आपको बोर्ड पर लिखे थे 5 से 6 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, धीरे धीरे हम कवर करेंगे। याद रखना जो भी टॉपिक हम शुरू करेंगे पढ़ाएंगे उसे पूरा ही पढ़ाएंगे, चाहे दिन लग जाए 3-4 दिन लग जाए 4, क्या ही फर्क पड़ता है, दिन अपना सर आपके और विद्यार्थी मेरी, क्या ही फर्क पड़ता है, 3 दिन लग जाएंगे, परेशान मत होना। पाइप और टंकी की 2 क्लास मैंने कर दी है, अब इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, उन्हें करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को 7 बजे एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। जितने बच्चों ने क्लास को देखा सराहा, सभी से निवेदन है क्लास को एक बार लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें, और जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े थे वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट्स करके बताना सेशन कैसा लगा। आज के प्रश्नों का लेवल मैंने इंक्रीज किया था, आज के प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ा के दिया था, तो उम्मीद है आपको लगा होगा कि कंटेंट आपने अच्छा पढ़ा। अभी 8 बजने वाले रात के, और मेरी क्लास के तुरंत बाद आप पहुंच जाना विवेक सर की हिंदी की क्लास में, और धुआं धुआं मचा देना उनकी क्लास में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम को 7 बजे कल, तब तक के लिए लव यू टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं।